Welcome back, everyone. Without a delay, we would be starting with the next topic, that is application of derivatives. In application of derivatives in this term one, you have just three applications. I believe the first one is to identify the intervals in which the function is increasing and it is decreasing. That's the first thing. The next thing in your syllabus is the topic of tangents and normals. To find the equation or maybe the slope of a tangent and normal at a specific point for a curve. Tangents and normal, that is the second thing. And the third and the final thing that we are doing is maxima and minima. I think maxima और minima से बहुत fair chance है कि आपके पास case study based questions आने चाहिए. चलो थोड़ा सा इसके basic concept को तेजी से समझते हैं और फिर सीधे questions पे jump करेंगे. ठीक है, let's see. So, ये मैंने समझने के ख्याल से एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करा. ठीक है, कोई भी एक फंक्शन लेते हैं. Let us consider any function, कैसा भी मान लो ऐसा. ठीक है, तो ये कोई एक रैंडम फंक्शन है जिसमें मैं y इज इक्वल टू एफ एक्स ऐसा कोई फंक्शन बोलता हूँ. ठीक है, मेरे पास कोई रैंडम पॉइंट है x इज इक्वल टू a. तो हम लोगों ने बेसिक कई बार पढ़ रखा है. अगर मैं कहता हूँ कि f डैश a तो ये हमें किस बात की जानकारी देता है कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, टेंजेंट राइट, फ्री हैंड से ड्रॉ कर रहा हूँ तो बहुत अच्छा नहीं ड्रॉ हो रहा है, बट आई होप यू अंडरस्टैंड राइट. इट इज जस्ट टचिंग इट हियर. ये पॉइंट क्या है, व्हाट इज दिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, x इज a, व्हाट इज y, सर्टेनली f ऑफ a. ठीक है, तो y हम लोग कभी भी फंक्शन से निकाल लेंगे. ये क्या है मेरे पास, ये मेरे पास ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है. तो ये जो हमें f डैश a मिलता है ना राइट, f डैश a इस पॉइंट पे जो ये मिला राइट जिसको कई बार हम लोग dy by dx भी कहते हैं राइट और हम लोग को ये भी पता है कि ये कुछ और नहीं है, अगर ये एंगल थीटा है विद द पॉजिटिव x एक्सिस तो दिस हैज टू बी इक्वल टू व्हाट, tan थीटा. एंड वी आल्सो रियलाइज कि थीटा इज एक्यूट, tan थीटा इज पॉजिटिव, थीटा इज ऑब्ट्यूज, इट इज नेगेटिव. सो वी इजीली सी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के ख्याल से कि कभी भी अगर मेरे पास dy by dx या फिर f dash x अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो वहाँ पे फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है राइट, एक्यूट एंगल है, यहाँ पे फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. और कभी भी अगर मैं यहाँ किसी जगह पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करता तो सोच के देखो कैसा होता है, इसका 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 स्लोप कैसा होता, ऐसा कैसा कहीं जाता. तो ये एंगल कितना है, ऑब्ट्यूज है राइट. तो अगर मेरे पास f डैश एक्स अगर लेस देन 0 है तो उसका क्या मतलब है कि वो एक फंक्शन वहाँ पे डिक्रीजिंग फंक्शन है. तो सबसे पहली बात हमें क्या समझ में आती है कि f डैश एक्स अगर मेरे पास ग्रेटर देन 0 तो वो इंक्रीजिंग है, ये बात हमें ग्राफ से दिखता है. और अगर f डैश एक्स हमारे पास लेस देन 0 है तो फंक्शन वहाँ पे डिक्रीजिंग है राइट, ये वाली बात हमें यहाँ से दिखती है. अच्छा जी, बहुत बढ़िया. और अगर f डैश एक्स 0 के बराबर हो गया तो कोई चक्कर नहीं, टेंजेंट tan थीटा 0 कब होगा, जब एंगल 0 होगा. दैट मींस द टेंजेंट इज पैरेलल टू द x एक्सिस. सो दीज आर द पॉइंट्स वेयर द लोकल मैक्सिमा एंड द लोकल मिनिमा एग्जिस्ट. ठीक है, तो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा जो है ये कहां पे हमारे पास एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे हमारे पास dy by dx या फिर आप कह लो f डैश x 0 के बराबर होगा तो यहाँ पे या तो लोकल मैक्सिमा होगा या फिर लोकल मिनिमा होगा. ठीक है, ये वाली बात मुझे लगता है बड़े आसानी से आपको डायग्राम से कंसेप्चुअली ज्योमेट्रिकली समझ में आती है. ठीक है जी, अच्छा बहुत बढ़िया. अब ये कैसे पता लगेगा, देखो मैक्सिमा मिनिमा में तुमने दो चीजें पढ़ी हैं. ठीक है, एक पढ़ा है तुमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, एमसीक्यू पेपर है, कॉन्सेप्ट्स भी ध्यान से रखना, कई बार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी सीबीएसई पूछ लेता है. ठीक है, तो धक्का तो लगा नहीं पाओगे, यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो आते हैं और नहीं आते तो नहीं आते. ठीक है, इसलिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ. तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट. ठीक है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि जो बिकॉज ग्राफ थोड़ी ना दिया होगा, वहाँ तो फंक्शन होगा, ग्राफ तो हमने ऐसे रैंडमली समझने के लिए ड्रॉ किया है. ठीक है, या फिर कभी फंक्शन दिया होगा और चार ऑप्शन ग्राफ के देते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है. ठीक है, तो ध्यान रखना फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट. तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हमारे पास क्या है बेटा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हम ये देखते हैं कि अगर f डैश एक्स हमारे पास कभी भी राइट, कभी भी अगर हमारे पास एफ डैश एक्स, राइट, किसी क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट क्या है? जहाँ की एफ डैश एक्स जीरो है, जैसे कि ये वाले पॉइंट्स है, दीज पॉइंट्स, राइट, दिस वन, ये सब क्या है? क्रिटिकल पॉइंट्स है। क्रिटिकल पॉइंट मतलब या तो वहाँ पे मैक्सिमा या फिर मिनिमा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हो सकता है, अभी उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ बट आगे करूँगा, ठीक है। तो अगर एफ डैश एक्स हमारे पास कभी भी पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है, तो वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट मेरे पास मैक्सिमा का पॉइंट है, लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है। देखो ना, ये इंक्रीज से डिक्रीज पे आ गया, एफ डैश एक्स क्या हुआ? पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, है ना। और यहाँ पे देखो मिनिमा पे क्या हो रहा है? नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है। तो अगर कभी भी नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है हमारे पास एफ डैश एक्स, तो ये पॉइंट किसका है? पॉइंट ऑफ मिनिमा का है। यही जो छोटी सी कंक्लूजन है, इसी को क्या बोलते हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि ये जो पॉइंट्स हैं, मान लो ये पॉइंट्स हैं मेरे पास C1, C2 और C3। कौन से पॉइंट्स हैं? जहाँ की एफ डैश एक्स जीरो है, एफ डैश C1 जीरो है, एफ डैश C2 जीरो है, एफ डैश C3 जीरो है, क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, या तो मैक्सिमा या फिर मिनिमा, ठीक है। तो सेकेंड ऑर्डर टेस्ट आपको क्या कहता है कि अगर आप कभी भी एफ डबल डैश C1 या फिर ऐसे ही एफ डबल डैश C2 या फिर ऐसे ही एफ डबल डैश C3 ऐसे निकालो, तो अगर ये C1 पे मैक्सिमा है ना, तो यहाँ पे तुम्हारे पास डबल ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा? दिस विल बी लेस देन जीरो, ये नेगेटिव होगा। और C2 पे जैसे ये मिनिमा है ना, तो यहाँ पे तुम्हारे पास सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कितना होगा? दैट विल बी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। दिस हैज टू बी पॉजिटिव। इसी छोटी सी बात को क्या बोला जाता है बच्चों? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अच्छा यार, थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है, लेकिन पहले जिसने पढ़ाई नहीं की है उनको लग रहा है यार क्या ये सब, इतना सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा, मुश्किल नहीं है, आसान है, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ध्यान रखना। इफ यू डू अ बिट ऑफ प्रैक्टिस, थिंग्स आर एब्सोल्युटली फाइन, बट इफ यू डोंट प्रैक्टिस इट इज नॉट गोइंग टू वर्क, ओके। मैंने सारी बातें की थियोरेटिकल, इंक्रीजिंग की, डिक्रीजिंग की, मैक्सिमा की, मिनिमा की, बट ये टेंजेंट नॉर्मल नहीं बताया। चलो इसको भी जरा देख लिया जाए। आओ यहाँ बचे हुए पार्ट में यहाँ इसको देखने की कोशिश करते हैं। लेट्स यूज दिस पार्ट ऑफ द स्क्रीन हियर। सो डी वाई बाई डी एक्स से आपको क्या मिल जाएगा? स्लोप मिल जाएगा। आपने डी वाई बाई डी एक्स कह लो या एफ डैश एक्स कह लो, ये निकाल दिया। इससे आपको क्या मिला? टेंजेंट का स्लोप मिला, यानी कि tan थीटा मिल गया, ठीक है। क्या टेंजेंट का मैंने एम एन लिख दिया, एम एन नहीं एम टी होना चाहिए, टेंजेंट का है, नॉर्मल का नहीं, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास एम टी आ गया। अब किसी भी इक्वेशन में अगर तुम्हारे पास पॉइंट गिवन है, मान लो ये पॉइंट है तुम्हारे पास x1 कॉमा y1, अगर x1 भी दे रखा है तो y1 निकाल देंगे ना, बिकॉज फंक्शन तो पता ही होता है, ठीक है ना। तो x1 y1 आपको पता है और आपने स्लोप कैलकुलेट कर लिया। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितनी होती है? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? राइट, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, आई होप ये सब स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट तुम्हें याद है, नहीं याद है तो लिख लो भैया। दिस इज y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स slope of what? Certainly the tangent into x minus x1. Okay, this is what? This is x minus x1. ये हमारे पास slope of tangent हो जाएगा, ठीक है। अच्छा normal क्या है सर? ये तुम्हारे पास tangent है, इस पे जब कोई perpendicular drop करते हो ना उसी point पे, तो ये हमारे पास जो मिलता है ये क्या मिलता है? normal मिलता है। normal का मतलब ही होता है perpendicular, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है हमें? हमें सबसे पहले स्लोप निकालना पड़ेगा नॉर्मल का। तो शायद आपको याद आ रहा होगा कि दो चीजें अगर परपेंडिकुलर है, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल, अगर दो चीजें परपेंडिकुलर है तो उनका प्रोडक्ट कितना होता है? -1 के बराबर होता है। दैट मींस स्लोप ऑफ नॉर्मल यानी कि dy by dx जो नॉर्मल का होगा, है ना, वो कितना हो जाएगा हमारे पास? -1/m of t, ठीक है। तो आपने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल रखा है, उसका रेसिप्रोकल करके नेगेटिव कर दोगे, तुम्हें क्या मिल जाएगा? You will get the slope of normal. Once you get the slope of normal, तो equation of normal कितनी हो जाएगी? बिल्कुल वैसे ही y minus y1, because ultimately tangent और normal है क्या? Straight line ही तो है, तो जो equation of straight line का फंडा होता है वही रहेगा यहाँ पे, y minus y1 is equal to slope times x minus x1, ठीक है। बस सिर्फ आपका नॉर्मल चेंज होगा, मतलब स्लोप चेंज होगा। स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू व्हाट, एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, विद दीज बेसिक फैक्ट्स आई वुड लाइक टू टेक यू टू द क्वेश्चंस वेयर वी डिस्कस द सेम थिंग्स in a much better and clearer manner. Okay, let's proceed. Let us proceed with this. Let's say ये कुछ random questions हैं हमारे पास और हम इनको देखना चाहते हैं कि कैसे discuss करना है। Let's see. तो f(x) तुम्हारे पास 9x plus 8 है, is an increasing function, true, false and so on. देखो increasing के लिए करना क्या होता है, f plus x देखना होता है। कितना यहाँ पे 9 है, क्या ये greater than 0 है? हाँ, greater than 0 है तो क्या increasing है? Absolutely correct है ना। ठीक है, अगर कभी इंक्रीजिंग होता कभी डिक्रीजिंग होता तो f' x कभी पॉजिटिव होता कभी नेगेटिव होता, बट यहाँ तो हमेशा ही पॉजिटिव है। इसका मतलब ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, दूसरा क्या कह रहे हैं, f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है कहाँ पे? ठीक है, देखते हैं ना, f' x देख डालते हैं पहले, कितना हो गया, 2x हो गया। अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है इसका मतलब इट शुड बी लेस देन जीरो, इट शुड बी लेस देन जीरो। अच्छा, लेस देन जीरो है तो मतलब x अगर नेगेटिव होगा तभी तो लेस देन जीरो होगा। तो मुझे क्या आंसर मार्क करना चाहिए बताओ, माइनस इन्फिनिटी से जीरो। ठीक है, सेकेंड्स का क्वेश्चन है और इतना आसान क्वेश्चन भी तुम्हारे बोर्ड में आ सकता है, इतना आसान क्वेश्चन भी तुम्हारे बोर्ड में आ सकता है, ध्यान रखना। चलो तेजी से आगे बढ़ेंगे। अगर कोई डाउट है तो प्लीज यूज द चैट बॉक्स, क्योंकि तुम कुछ नहीं पूछ रहे हो और मुझे लगता है बहुत आसान है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट मूव करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, the function given as f(x) equal to e की power 2x is a dash on r। अच्छा, a refers to, ठीक है। अब क्या है ये बताओ, ये क्या increasing है, decreasing है, strictly increasing है, neither increasing nor decreasing है, क्या है? इसके लिए बोल रहे हैं real number पे, यानी कि माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसके लिए f' निकालना पड़ेगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, e की पावर 2x इंटू 2, है ना। अच्छा, अब क्या कभी भी, क्या ये चीज कभी भी नेगेटिव होगी? सोच के देखो, तुम x की वैल्यू जो मर्जी रख लो, क्या ये कभी भी नेगेटिव होगी? नहीं, f डैश x इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो मुझे क्या बोलना चाहिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यस माइट बी, डिक्रीजिंग नेवर, neither increasing nor decreasing, bakwas, decreasing absolutely bakwas। What is the correct answer? A option। आंसर मार्क करने से पहले जब आप इस तरीके से एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे हो, आई स्ट्रांगली रेकमेंड एक बार ऑप्शंस देख लिया करो। ठीक है, इस तरीके से आप सही आंसर तक हमेशा पहुंचेंगे। यहाँ पे क्या कह रहे हैं बेटा, इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। करना ही क्या है, एफ डैश एक्स देख डालो ना, एफ डैश एक्स कितना आ गया, -7। हमेशा ही नेगेटिव है तो क्या ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है? बिल्कुल है यार, इसमें क्या बात हो गई। तो कुछ आसान क्वेश्चंस मिले यहाँ पे, थोड़े बेहतर क्वेश्चन की तरफ बढ़े, आओ देखते हैं। डाउट है, फास्ट चल रहा हूँ, मुझे बताओ, चैट बॉक्स यूज करके बताओ। ठीक है, क्योंकि इजी क्वेश्चंस हैं इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट मूव कर रहा हूँ। ओके, लेट्स सी द इंटरवल ऑन विच द फंक्शन दिस इज डिक्रीजिंग इज, कब डिक्रीजिंग है? तो क्या करोगे, सबसे पहले एफ डैश एक्स निकाल डालो, कितना आ गया, 6x² प्लस 18x प्लस 12। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, जीरो से इक्वेट करना पड़ेगा ताकि हम क्रिटिकल पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर सकें, तभी तो देख पाएंगे कहाँ इंक्रीजिंग है कहाँ डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको जीरो से इक्वेट करने से पहले थोड़ा फैक्टराइज करने की कोशिश की, क्योंकि x² 3x प्लस 2। अब इसको जीरो से इक्वेट करता हूँ और बड़े आसानी से फैक्टराइज होता हुआ दिखता है, x प्लस 2 एंड x माइनस 1, x प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यूज मुझे दिखती है, एक -2 और एक -1। अब देखना ये है कि ये कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है। तो मैंने लेट से यहाँ पे वैल्यू रखी 1 पे देखा तो 1 पे ये सब पॉजिटिव आ गया। अगर एक बार कोई पॉजिटिव आ गया ना तो फिर क्या है, एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव ऑल्टरनेटली चलता रहता है। ठीक है, और अगर ऑल्टरनेटली चलता है, जिन्होंने क्या बोला, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग मतलब नेगेटिव। नेगेटिव कहाँ से है, -2 से -1 तक। क्या आंसर बोलोगे बताओ, समझ में आ रहा है ना, इजी है, आसान है, स्कोरिंग है, गड़बड़ी मत करना। ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे तो इन सब चीज़ों में बड़े अच्छे से आसानी से पूरे 40 on 40 ले आओगे। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी भाई, सही जगह से सही प्रैक्टिस करने की जरूरत है, एंड थिंग्स वुड बी एब्सोल्युटली फाइन। लेट्स टेक अप द नेक्स्ट वन। If the function f is given by this x e raised to the power 1 minus x, then choose the correct statement from the following. ओके करना ही क्या होता है, f dash x बिना सोचे समझे निकाल दिया करो, बिना उसके तुम कोई कंफ्यूजन दे ही नहीं पाओगे, इसलिए निकाल दिया करो। तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट रूल लगाऊं, x को मैंने डिफरेंशिएट किया, e की पावर 1 minus x as it is रह गया, उसके बाद मैंने x को as it is कांस्टेंट रखा, ठीक है, और पहली बार मैं x को डिफरेंशिएट कर दिया और e की पावर 1 minus x को रखा, अगली बार मैंने x को कांस्टेंट रखा और e की पावर 1 minus x को किया, ठीक है। तो इनटू -1 भी आएगा ना, ठीक है, तो -1 से ये जो साइन है मेरे पास ये नेगेटिव हो जाएगा। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग, ठीक है। अब क्या करूं, इसको 0 से इक्वेट करके देखते हैं कुछ हो पा रहा है क्या। तो e की पावर 1 minus x को अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये 1 minus x आता है मेरे पास। अगर मैं इसको 0 से इक्वेट करूं तो हाँ, यहाँ से एक वैल्यू तो मुझे मिलती है क्या, x इक्वल टू 1, यानी कि x इक्वल टू 1 पे इसका मैक्सिमा या मिनिमा कुछ तो एग्जिस्ट करेगा। अब इन्होंने क्या बोला है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो ठीक है, देखते हैं, सोचते हैं क्या हो सकता है। बट ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा ना। अच्छा एक दिख रहा है यहाँ पे डी ऑप्शन में, कुछ तो दिख रहा है, बिकॉज 1/1 हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, बाकी सब में इन्होंने पता नहीं 1/2 क्यों दे रखा है, बट फिलहाल कोई बात नहीं, हम चेक करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 देखा, तो 1 के आगे लेट से मैंने 2 देखा, तो 2 पे ये नेगेटिव आ रहा है, इट इज नेगेटिव, तो इधर क्या आएगा, पक्की बात है पॉजिटिव आएगा। अब हमें देखना है कौन सा सही है, जहाँ पे भी 1/2 है वो सब तो मुझे देखना ही नहीं चाहिए ना, बिकॉज वो तो हमारा क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं है, क्रिटिकल पॉइंट ही 1 दे रखा है। fx is strictly decreasing in 1 to infinity, absolutely correct है ना, यहाँ ये नेगेटिव है तो सी f dash x, ठीक है। I hope you are getting that। चैट बॉक्स जरा यूज करके yes no में जवाब दो मुझे, yes no में जल्दी से, समझ में आ रहा है कि नहीं। और ट्राई करो ये 2 क्वेश्चंस फटाफट ट्राई करो, ठीक है, थैंक यू फॉर द कंसेंट। मूव ऑन आगे बढ़ो, बढ़ते चलना है, रुकना नहीं है, ठीक है। जितने प्रैक्टिस कर लो उतना अच्छा है, कुछ नहीं, कितना इजी है देखो, कोई टेंशन हो रही है करने में, एक जरा सी प्रॉब्लम नहीं हो रही, बस कंसिस्टेंटली करते चलो, मामला अच्छा हो जाएगा, ठीक है। आओ देखो 21st क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट इज द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। अच्छा देखो स्लोप की बात कर दी गई, तो क्या ही टेंशन है बेटा, पैरामीट्रिक फॉर्म है, यहाँ पे टी, सबसे पहला काम क्या है अपना, dy by dx बताना, और ये क्या होता है, dy by dt और dx by dt का रेशियो, ठीक है। dy by dt सीधा ही लिख दूं, देखो कितना होगा बताओ, ये हो जाएगा 4t minus 2 और dx by dt कितना आ रहा है बच्चों, 2t plus 3, t is equal to 2 रखना है, तो 2 रखा तो 8 में से 2 गया 6, यहाँ 2 रखा तो 4 और 3 7। अब ये भूलना नहीं है, ये जो 6/7 है ये क्या है हमारे पास, टेंजेंट का स्लोप होता है। dy by dx always gives you what, the slope of the tangent। आपसे पूछा क्या यहाँ पे, स्लोप ऑफ नॉर्मल। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, अभी अपने इस कॉन्सेप्ट को किया था कि रेसिप्रोकल करके नेगेटिव लगा दो तो आंसर आ गया, -7/6 इज द आंसर, ठीक है ना, बहुत आसान है। ओके सो इसका ए हो जाएगा बी, गलत बता रहे हो ना, थोड़ी सी गलती कर रहे हो तुम शायद मनन, चेक करो। तो ये हो जाएगा हमारे पास -7/6 होगा, नॉर्मल बोल रहे हैं बेटा, ठीक है। ओके, द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल ऑफ द कर्व एट 0,0 इज, इक्वेशन चाहिए आपकी बार, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, dy by dx, ठीक है भैया जी, dy by dx कर डाला हमने, कितना आ गया, ये आ गया tan x का कितना होता है, sec²x होता है, x कितना है यहाँ पे 0 है, तो मेरे पास 0 रखा तो cos 0 1 होता है, तो sec 0 भी कितना होगा 1 होगा, 1 का स्क्वायर करने पे 1 ही आएगा, यानी जो मेरे पास स्लोप ऑफ द टेंजेंट है, लेट्स नॉट फॉरगेट dy by dx gives you the slope of the tangent, and in order to obtain the slope of the normal you always do -1/mt, so this is coming out to be -1, okay, this is -1. Now they're asking what is the equation, so equation is what, y - y1 is equal to slope times x minus x1. So the answer has to be y + x = 0. y + x = 0. Do you have such option? Yes, B option. So that should be your answer, and I hope you get it. Do we have more questions? I'm sorry, we don't have more question today. So let's meet tomorrow where I would be correct doubt. बोलो बोलो बोलो. ओके एक क्वेश्चन आपने ये पूछा कि सर एफएक्स की कॉन्टिन्यूटी डिस्कस कर लो और इसका डोमेन आपने ये बताया कि एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0. ठीक है, दैट मीन्स एक्स इज नॉट इक्वल टू दिस. सो कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है और जीरो नहीं है यहाँ पे, तो कॉन्टिन्यूस तो है, इट इज 100% कॉन्टिन्यूस. मैं इसका इसकी डिफरेंशिएबिलिटी कॉन्टिन्यूटी दोनों ही चेक कर देता हूँ, कोई टेंशन नहीं. ठीक है, तो आप अगर देखें यहाँ पे कि x आपके पास 0 नहीं दे रखा, अगर 0 दिया होता, अगर यहाँ पे 0 होता तो ये 0 पे डिसकॉन्टिन्यूस हो जाता. ये बात मुझे बताने की जरूरत, बता देता हूँ. ठीक है, तूने पूछा है तो बता देता हूँ. देखो अगर यहाँ पे ये तुमने बोला ऑल रियल नंबर्स, तो हर रियल नंबर पे तो है, कोई टेंशन ही नहीं है एक्सेप्ट 0. बट 0 ऑलरेडी तुमने डोमेन में बोल रखा है कि 0 नहीं है डोमेन में, इसका मतलब इट इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस एक्सेप्ट 0. ठीक है, लेकिन फिलहाल मान लो अगर ये तुम्हें 0 पे चेक करना होता तो तुम कैसे चेक करते? तुम LHL लेते. LHL कैसे देखते हैं बताओ? लिमिट h टेंडिंग टू 0 और x के जगह पे a-h रखते हैं, यानी कि 0-h रखेंगे बिकॉज a यहाँ पे 0 है, तो यहाँ मेरे पास कितना आएगा? -1/h. And this would give us what? -infinity. Let's not forget that. It is what? -infinity. On the other side, if you look at this, the RHL would be what? Limit h tending to 0. This would give you 0 + h, which is 1/h, and which is ultimately only infinity. If you go into you know, slightly more detail, then that is how the graph would be plotted. जब x हमारा positive है 0 की तरफ से, तो ये ऐसा है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है. ये y equal to 1/x is what? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. ठीक है, ऐसा जाता है ऐसा. ठीक है, और जब नेगेटिव है तो ये ऐसा जाता है. समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, नेगेटिव एकदम से 0 पे लेफ्ट हैंड साइड पे गया तो किधर हो गया? -∞, और ऊपर गया तो +∞, ऐसे भागता है. तो ये हमारा 0 अगर इंक्लूडेड नहीं है डोमेन में तो इट सर्टेनली इज कॉन्टिन्यूस. ठीक है, इन्होंने बोल रखा है कि हाँ x इज नॉट इक्वल टू 0, देन यस इट इज कॉन्टिन्यूस इन इट्स डोमेन, इन इट्स डोमेन. बट यस, इफ दे आर सेइंग ऑन ऑल रियल नंबर्स, तो द आंसर इज व्हाट? It is discontinuous at x is equal to 0. As it is discontinuous, it certainly is not differentiable as well. ये differentiable भी नहीं होगा. कहाँ पे? हमारे पास यहाँ पे, इस जगह पे, when x is equal to 0. ठीक है? Let me know if it is clear.